Let's do question number 22 of exercise 22, that is bar graph. Question number 22 is, study the double bar graph given below and answer the questions that follows. First part, what has been? आप देखेंगे इस double bar graph में minimum temperature दे रखा है y x-axis पे और y sorry minimum temperature y axis पे दे रखा है और मंथ्स हमें x एक्सिस पे दे रखे हैं, राइट फ्रेंड्स. और हमें सबसे पहले 2015 का मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है, फिर 2016 का टेम्परेचर दे रखा है. लेट्स डू फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज व्हाट हैज बीन कंपेयर्ड इन द गिवन डबल बार ग्राफ. हमें क्या करना है इस डबल बार ग्राफ में, क्या चीज कंपेयर की हुई है वो हमें लिखना है. तो इन दिस वी हैव टू compare the minimum temperature of 2015 and 2016 from the month November to February, right friends? यहां से यहां तक के मंथ को कंपेयर करना, मिनिमम टेम्परेचर का कंपेरिजन दिखा रखा है. वॉट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम टेम्परेचर इन द ईयर 2015 टू द ईयर 2016 इन द मंथ ऑफ नवम्बर. फ्रेंड्स, दो ईयर का मिनिमम टेम्परेचर निकालना है. कौन से मंथ वो सॉरी नवंबर मंथ में मिनिमम टेम्परेचर कितना था. मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 2015 क्या है, इज 18. और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 2016 क्या है नवंबर का, दैट इज 14 डिग्री सेल्सियस, राइट. इसका रेशियो निकालना है. रेशियो क्या हुआ, 18 इज टू 14 हो गया. अब इसको काट सकते हैं आप, 2 से कट जाएगा, दैट मीन्स 9:7 इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या करना है, नेम द मंथ इन विच द मिनिमम टेम्परेचर इन 2015 वाज ग्रेटर देन इन 2016. ऐसा कौन सा मिनिमम टेम्परेचर है 2015 का जिस जो ज्यादा है 2016 से. ऑब्वियसली नवंबर में देखेंगे एंड फरवरी में देखेंगे, एंड फरवरी इन दोनों में टेम्परेचर ज्यादा है 2016 से. फोर्थ पार्ट, फाइंड द एवरेज मिनिमम टेम्परेचर फॉर द ईयर 2016 फॉर द गिवन फोर मंथ्स. तो एवरेज कैसे निकालते थे, एवरेज निकालते थे हम सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर. तो सम क्या हुआ 2016 का मिनिमम टेम्परेचर का, फर्स्ट का 14, देन 13, देन 8 एंड देन 9 डिवाइडेड बाय 4. तो कितना आ गया ये, 4 एंड 3 7, 7 एंड 8 इज 15, 24 टू कैरी 4 अपॉन 4, दैट इज 11 इज द आंसर. लेट्स डू लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज इन विच मंथ इज द वेरिएशन इन टू टेम्परेचर इज मैक्सिमम. सबसे ज्यादा वेरिएशन किस में हुआ है, अगर हम नवंबर में देखें तो 4 का वेरिएशन है, राइट. दिसंबर में देखें 4 कैसे निकाला हमने, 18-14 करके, राइट. अब हम दिसंबर में देखें तो 13-11 मैक्सिमम 2 का वेरिएशन है. अब जनवरी में देखें तो 8-5 3 का वेरिएशन है. और फैब में देखें तो 11-9 तो कितने का वेरिएशन है, 2 का वेरिएशन. तो मैक्सिमम वेरिएशन कहाँ है, नवंबर में. तो नवंबर इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.